नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमएसपी लेके आए हैं। ये एमएसपी जो 2019 और 20 की क्रॉप लगी हुई है रबी की, उसके लिए लागू हैं, और ये 2020 और 21 की ईयर तक लागू है। यानी कि जो अब 19 और 20 में रबी की क्रॉप लगी हुई है, क्योंकि 19 में रबी लगाया हुआ है और ये 20 तक चलेगा, जैसे फरवरी या मार्च तक, तो उसका फिर अगला ईयर शुरू हो जाता है, तो उसके लिए है। तो ये 2021 के लिए मान्य है। ये एमएसपी किसानों को जो डबलिंग फार्मिंग के लिए बहुत फ़ायदा होगा, उसमें कि 50% मुनाफा ऊपर देगी उसको, किसान को, उसकी जो उसका इनपुट लगाया है उसने। तो ये रबी की दी हुई ये क्रॉप से, जिनके जैसे गेहूं का है ये 1925 कर दिया है प्रति क्विंटल, और जौ का 1525 कर दिया है, चना का 4875 कर दिया है, मसूर का 4800 कर दिया है, और रेप सीड एवं मस्टर्ड ये सरसों का कर दिया है 4425, और कुसुम का कर दिया है 52 55। ठीक है, और इसके बाद जो और भी क्रॉप है जिनका किया है, बढ़ाया है, अब इनका कंपेरिजन भी है अलग अलग, वे कितना परसेंट पिछला कितना परसेंट था, अब कितना परसेंट है, तो पीछे के वीडियो भी वो डले हुए हैं, शायद आप देख सकते हैं जाके। अब देखिए इसमें ये दिखाया हुआ है, ये 2015 16 17 18 19 और 19 20, यानी कि अभी ये वर्ष चल रहा है, तो इसके लिए ये लागू है। तो इसमें बताया गया है, देखिए धान के ये ग्रेड के हिसाब से आते हैं, तो सामान्य का है 1815 और ग्रेड ए है उसके 1835 है, जो 1920 है ईयर इसमें इसके। और इसमें वृद्धि कितनी गई है, यानी कि इसमें वृद्धि की गई है उसके पिछले ईयर की तुलना में की गई है, 3.7% है, या 65 रुपये है परसेंट में पीछे दिखाया हुआ है, 3.7% वृद्धि की गई है और 65 रुपये बढ़ाए गए हैं। और ज्वार के, बाजरा के, ये सब के यहाँ पे दिए हुए हैं। 19-20 के ज्वार के हैं वो 25-50 है, और मालदांडी यानी कि हाइब्रिड मालदांडी, और जैसे ये के तमिलनाडु वगैरह में अलग अलग होती है, तो ग्रेड होता है इनका, उसके हिसाब से इसके रेट है 25-50 और 25-70 ऐसे। तो कितना परसेंट बढ़ाए पूरा दिया है। और बाजरा की बात करें तो 2000 कर दिए हैं अब की बार प्रति क्विंटल, और मक्के की बात करें तो 1760 कर दिए हैं, रागी की बात करें तो 1350 कर दिए हैं, और अरहर या तुअर मतलब कि पिजन पी इसके 5800 कर दिए हैं, और मूंग के देखिए 7050 कर दिए हैं। बहुत ही बढ़िया है इसमें। लेकिन होता क्या है कि एमएसपी में ये होता है कि सरकार के द्वारा जो भी विपणन केंद्र खोले गए हैं, ये इनकी खरीद करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे ही करते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा वहाँ पे ला सकते हैं। और एक उनका टारगेट होता है कि इतने यहाँ तक, मतलब कि भाई इतने क्विंटल तक या इतने मिलियन टन तक जो भी खरीदना होता है वहाँ तक ही खरीद पाते हैं ये। और फिर इनका प्रोसेस है वो पैसे देने का, वो खाते वगैरह हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो थोड़ा अलग है। तो इस वजह से किसानों को मैं नहीं मानता कि इसका कोई फ़ायदा मिलता है इतना, क्या है कि अब किसान जो सूझबूझ के किसान है वो ही कर पाते हैं इसको, टेक्निकली रूप से होता है, मतलब प्रोसेस होती है पूरी, उसके लिए आपको कार्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो ये है, अब किसानों को तो पैसे की ज़रूरत होती है तो सीधा मंडी में ले जाता है और उसको बेचता है, ले आता है उस वहाँ 500 600 कुछ भी कम हो इतने में दे के ले आता है, तो इसका ये नुकसान है। और कभी कभी जैसे आवक ज़्यादा हो जाती है तो बाइकॉट कर देती है सरकार भी, बहाने भरती है कि लेती नहीं है इतना, क्या है कि मूंग मूंग का प्रोडक्शन बढ़िया हुआ है और जितना उनको लेना होता है उसने उसके रिश्तेदार है या कोई भी जानकार है उनका ले लेती है और वो नहीं ले पाती, तो इसका थोड़ा सा ये इफेक्ट है। अपन सोचते हैं इसमें इतना भाव हो रहा है लेकिन फिर भी किसानों को फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा, तो इसका यही रीजन है कि डायरेक्टली प्रभाव किसानों पे नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं किसान इससे, है बीच में लेकिन उसकी वजह से बहुत से हो जाते हैं। पिछली बार मूंग की खरीद हुई थी तो उसमें उनके जो रिश्तेदार थे उनका खरीदा हुआ था। तो अपन चर्चा करते हैं इस पे, जो एमएसपी है इस पे जो घटे हैं बढ़े हैं, देखिए अब ये एरो लगा के कर रखे हैं इसमें, मूंग में कितना बढ़ा है, पहले कितना था 4800 से शुरू हो रहा है और 4 5 साल में 7050 तक पहुंचा दिया है, और उड़द का हो गया है 5700 पर क्विंटल, और कपास के जो रेशे हैं फज और लिंट उनके हिसाब से इसमें है 52 55 और 55 50, और मूंगफली का है 50 90, और सूरजमुखी के बीज का है 56 50, और सोयाबीन, पीला सोयाबीन भी दो तरीके का आता है, इसका है 37 10, और तिल का है 64 85, और राम तिल का है 59 40। और रबी की फसलें ये अब ऊपर दिया हुआ था जैसा कि पहले इसमें दिखा दिया गया है, इनका पहले क्या था कंपेरिजन भी किया गया है, चना का
चना का 48-75 है, तो ये रबी के देखते हैं। अन्य फसलें हैं जो इसमें मतलब कि ईयर में आती है उसके हिसाब से। अब इसमें नीचे निर्देश दिए गए हैं, देखिए ये भी देखना जरूरी है, इससे आपको पता लग जाएगा इसमें जो इंडिकेट कर रखा है कि भाई आपके यहाँ पे स्टार क्यों लगा रखा है, एट दी रेट क्यों लगा रखा हैज़ टैग क्यों लगा रखा है। तो ये बता रहे हैं कि भाई प्रति क्विंटल अगर जो स्टार 1 स्टार है प्रति क्विंटल 100 का बोनस हुआ है, 2 स्टार है तो 75 रुपये प्रति क्विंटल बोनस हुआ है, और 1 साइड अपर एरो है तो 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित है, बोनस दिया है ना उसके सहित बढ़ाया गया है, और एट दी रेट प्रति क्विंटल 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया हुआ है। तो इस तरीके से हैं ये आप डाटा हैं, ये आप डायरेक्टरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया उस साइट पे जाके देख सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ से कंफर्म हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ सही है।